हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार सरकार, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रेडी हो जाइए, सिंपल कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, डिटेल्स स्टडी करेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो नंबर में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ठीक ना। तो मान लेते हैं निर्वात में, किसमें? निर्वात में, ठीक ना, किसी बिंदु पर या किसी ए बिंदु पर जो है वो आपका एक क्यू चार्ज रखा है, और इस क्यू चार्ज के कारण इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखना, उसके बाद पूरी डेरिवेशन करेंगे। तो आपको लिखना क्या है कि माना निर्वात में एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश क्यू रखा है, जिसके कारण इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी पी है, जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप कि माना कि इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पर एक हमने परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को रखा है, ठीक है ना। तो जब इस पे क्यू नॉट इस पोजीशन पे रखा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इस क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, कितना बल लगाएगा वो देखते हैं, ठीक ना। क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगाया गया बल, कितना बल लगाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक ना। इतना फोर्स लगाएगा क्यू क्यू नॉट पे जब ये इससे आर दूरी पर रखा होगा, ठीक है ना। तो इस अगर बल हमें पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं पढ़ा है विद्युत क्षेत्र तो आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप विद्युत क्षेत्र वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। बहुत ही डायनेमिक वे में मैंने वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में समझाया है, शायद ही आपको यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिएगा एक बार विद्युत क्षेत्र वाला वीडियो, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे कैसा लगा आपको विद्युत क्षेत्र वाला वीडियो, ठीक है। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसके डिफाइन जो किया था, डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो है E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, मतलब इस क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अगर क्यू नॉट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक ना। तो यहां पे F इज इक्वल टू हमारे पास 1/4πε0 Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए Q0 से, जो Q0 ने Q0 को मार डाला, तो यहां पे क्या बचा आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब वो Q0 चार्ज से R दूरी पर, सॉरी Q चार्ज से R दूरी पर कोई अगर पॉइंट P है तो उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यही सिस्टम अगर किसी माध्यम में रखा है, किस में रखा है? माध्यम में रखा, और माध्यम के परावैद्युतांक कितना है? K है। माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो कितना है? K है। तो उस कंडीशन में कितना फोर्स लगेगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर, क्या करेंगे? K से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो यह जगह किसी माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक सदिश राशि है और सदिश राशि को हम हमेशा सदिश राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में अगर डिफाइन करेंगे तो यह जगह आपका E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q upon R square into R cap, R square into R cap, R cap जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस पॉइंट पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर दिशा लिखनी है, क्या है दिशा? तो दिशा क्या हो जाएगा? A से P की ओर, A से
पी क्यू, क्योंकि अगर यहाँ पे आप क्यू नॉट चार्ज रख रहे हैं तो इस क्यू नॉट चार्ज पे वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, ठीक ना। चलिए ये हो गया आपका किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, कि अगर कहीं पे भी अगर एक बिंदु आवेश रख रहे हैं तो उस बिंदु आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है उससे आर डिस्टेंस में, ठीक है। सिंपल से डेरिवेशन से आप एक बार देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में अगर फिर भी कोई आपको डाउट है इसमें, डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या हम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9557955254, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए जय हिंद जय भारत।